गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीडीएन पब्लिक स्कूल। लास्ट वीडियो में हमने नाइन्थ क्लास भूगोल एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर भारत आकार और स्थिति कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। इसका फर्स्ट पार्ट है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। मैंने लेसन पढ़ाते टाइम आपको मैप में दिखाया था कि किस किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। इसका राइट आंसर उड़ीसा होगा, उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। बाकी के जो तीन इसके ऑप्शन हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, इन तीनों से ही कर्क रेखा गुजरती है। दोबारा से आपको एक मैप के माध्यम से दर्शा देते हैं। इस मैप में देखिए, ये जहां पे एरो है ये कर्क रेखा है और ये कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राजस्थान, क्योंकि देखो यहां पर थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का भी आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, यहां पर त्रिपुरा और आगे मिजोरम। इन राज्यों से आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं चार, इनमें से राइट आंसर होगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ये जो देशांतर है ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग को छूता है, ठीक है। मैप के माध्यम से आपको दर्शा देते हैं। इस मैप में देखिए, ये यहां पर अरुणाचल प्रदेश है जहां पर एरो आपको दिखाई दे रही है और यहां से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर इसको छूकर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं, यानी कि इन सभी राज्यों की सीमा किस देश को छूती हैं। ऑप्शन है चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा नेपाल। आपको एक मैप के माध्यम से बता देते हैं। इस मैप में देखिए, यहां पर है आपका उत्तराखंड एरो की तरफ, नीचे उत्तर प्रदेश, बिहार और ये जो पश्चिम बंगाल है ये थोड़ा सा आगे तक फैला हुआ है। एरो की तरफ देखिए आप, थोड़ा सा आगे तक फैला हुआ है यहां तक, ठीक है। तो इसकी सीमा भी नेपाल के साथ लगती है और सिक्किम की सीमा भी नेपाल के साथ लगती है। तो इन सभी राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है, नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ है, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवर्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो यहां पर चार ऑप्शन दिए हैं, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, दीव और दमन। तो इसका तो राइट आंसर वो होगा लक्षद्वीप। मैंने आपको लेसन पढ़ाते टाइम बताया था कि लक्षद्वीप कहां पर स्थित है, एक बार आपको दोबारा रिमाइंड करवा देते हैं। इस मैप में देखिए, एरो की तरफ ये जो द्वीप समूह है जिसके चारों तरफ एरो घूम रहा है ये आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है, कवरती। अब हम आगे करते हैं। नेक्स्ट है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश है। देखो भूटान लगती है, बांग्लादेश लगती है, नेपाल इसकी भी सीमा भारत की सीमा को टच करती है, ताजिकिस्तान ये ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत को टच नहीं करती, ठीक है। मैप के माध्यम से आपको दर्शा देते हैं कि ताजिकिस्तान की स्थिति कहां पर है। इस मैप में देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, और इसके उत्तर में मध्य एशिया का एक देश है ताजिकिस्तान, ठीक है। अब आप इसकी लोकेशन समझ गए होंगे, ठीक है, चाइना का पड़ोसी देश है। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले जो क्वेश्चन है वो वीडियो के लास्ट में दे रखे हैं, आप वहां से अपनी कॉपी में उसको लिख लेना और याद भी करना, ठीक है। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, आप इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन का आंसर।
और नेक्स्ट और लास्ट फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। आज हमारी ये वीडियो यहीं तक। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।